चाहिए भी नहीं और मुझे चाहिए भी नहीं और मुझे चाहिए प्यार करें नहीं 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 मुझे चाहिए पूरा प्यार करें प्यार के भूखे ये तो बेचारे चिक खाते हैं हाँ या सो अब चाहिए नहीं पहले जब था तो ऐसा गले नहीं पड़ा लाइक अब हम लोग इतने तेज हो गए नहीं मिला नहीं वो डील करने का तरीका आपको आना चाहिए ना अगर होते भी तो कैसे करते हैं बताओ अब मैं अपने सारे राज पुराने राज जो है कैसे खोल सकता हूँ मैं टेलीविजन के ऊपर खोल दो जानी खोल दो भाभी आप नहीं कुछ आई ऐसा कुछ आई नहीं खोल रहे घर पर आप इन्हें फिट कर देना अपने मुताबिक मुझे ऐसा लगता है कि जो लड़कियां बहुत जल्दी प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाती हैं वो ऐसे तो उनको इश्क नहीं होते इश्क सामने वाले को हो जाता है सामने वाले ना नहीं सामने वाले को मुझे ऐसे हाँ मिले कुछ लड़के शादी से पहले यूनिवर्सिटी फेलोज भी थे कुछ कॉलीग्स भी थे लेकिन अगर नहीं अच्छा लग रहा तो कैसे शादी की जा सकती है आपसे भले आप रोए धोएं कुछ भी करें यार अब ऐसे मजाक थोड़ी है कि शादी कर ली जनाब किसी को इमोशनली परेशान देख के और ब्लैकमेल आप हो गए ऐसे नहीं होता मैं थोड़ी सी जरा हुसन परस्त रही हूँ हुसन परस्त हुसन में क्या क्या आपको नजर आता अच्छा मुझे ना मेरे लिए पैक्स देखती हैं नहीं मुझे बड़ी आंखें बहुत पसंद है बड़ी आंखें बड़ी बड़ी आंखें बहुत ओके मैं बड़ी टांग बड़ी इसको बड़ी बड़ी टांगे आई वाज लाइक ओके भाई आलू चना होंगे जी मुझे बड़ी आंखें जो थी वो बड़ी मुझे मतलब अच्छी लगती हैं अपील करती हैं तो मैंने बस मेरे हस्बैंड माशाल्लाह खूबसूरत आंखें बंद करें आंखें बंद करें आपकी बड़ी आंखें से भी बड़ी आंखें हैं मेरे हस्बैंड की कामना से भी बड़ी बड़ी आंखें बहुत बड़ी हैं नहीं मतलब नॉर्मल बड़ी है मतलब ये आप भी जाते हो मेरी छोटी अभी इमरान आज बड़ी हो गए छोटी छोटी आंखें मैंने बना ली अपनी वैसे तो मेरी अपनी भी इतनी छोटी नहीं है लेकिन मुझे अच्छी लगती थी बड़ी बड़ी आंखें और खूबसूरत मतलब पर्सनालिटी अच्छी अच्छी बात होती है दैट ये एक चीज होती है हर इंसान को वो चीज अच्छी लगती है जो उसको चाहिए होती है चाहिए आपको बड़ी आंखें चाहिए होती है कुछ लोग को बड़ा दिल चाहिए होता है कुछ लोग को बड़ा अकाउंट चाहिए होता बस है। बस साइंस मैटर करती है लेकिन मैं बताऊँ ये जो लड़कियाँ जो बैंक बैलेंस बड़ा देखती हैं बहुत बेवकूफ़ी होती है आप मैंने देखा कुछ लोगों को मैं उस दिन कामरन से बात कर रही थी तो कामरन कहते हैं इट्स ऑल अबाउट लक ना कुछ लड़के मतलब अच्छे खासे अमीर होते हैं अब शादी करते हैं बिजनेस में लॉस होता है वो हीरो से जीरो बन जाते हैं तो ये सारे अल्लाह के काम होते हैं ये देख के थोड़ी शादी की जा सकती है क्या पता होता है जो बड़े अकाउंट वाला है वो आपको भी खुश रखेगा इट्स ऑल अबाउट हैप्पीनेस एंड पीस इन योर हार्ट आई थिंक दैट जो हम बच्चियों को जो कुछ लोग सिखाते हैं कि यू नो बहुत ही मजबूत शौहर लेना चाहिए उसके साथ शादी करनी चाहिए बात ये होती है को इतना मजबूत होना चाहिए कि उसके शौहर मजबूत हो या ना हो इट डज नॉट मैटर यू नो अ गर्ल शुड बी फाइनेंशियली स्टेबल मतलब वो क्या बात होती है कि बहुत सारे लोग हैं जिनके घर बहुत महलों वाले होते हैं और उनकी बेचारी बेगम और बेटियों के लिए वो टाइम भी नहीं होता पैसा भी नहीं होता सही कह रही हैं यू नो दे डोंट हैव द हार्ट एटीएम मशीन्स होते हैं ना उनके घर वालों को टाइम नहीं वो कह रही हैं कि वो उन पे खर्च करने के लिए भी उनके पास दिल नहीं होता ना इट्स नॉट अबाउट कि वो अमीर नहीं अमीर है फिर या अमीर है लेकिन हर चीज में वो मसले 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 करते हैं खैर अगर आप एंकर नहीं होते तो आप क्या होते पहले आप आई वुड हैव बीन एन एक्टर वाओ एक्टर एक्टर के अलावा कुछ और बन जाओ बिजनेसमैन होता फिर मैं बिजनेसमैन क्या क्या इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं आई गेस आजकल गाड़ियों का है या गाड़ियों का रहा होता या फिर मैं रियल एस्टेट में होता ओह वाओ जमीन बेच रहे हो हां जमीन बेच रहे हो टाउन को बेच रहे क्या बेच रहे जा रहे हो बैरियर टाउन वैसे आप उसकी बात है जमीनों वाले लोग बड़े ठीक-ठाक फुल बहुत पैसा इन दोनों चीजों में बहुत पैसा है जमीन के साथ अगर आपका रिश्ता जुड़ा है ना जमीन चाहे आप जमींदार हो जाएं इन दैट सेंस की ज़रात के साथ मुंसलिक हूँ या फिर आप ज़मीनें खरीद बेच रहे हो तो आई फील दैट के वैसे आप इसकी बातें सॉरी टू कट यू आई बिलीव लैंडलॉर्ड्स आर द मोस्ट अय्याशी वाले पीपल क्योंकि मैंने कोरोना में देखा आप जितना भी बुरा हाल है लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है लेकिन बेचारे किराए के पैसे जमा कर रहे होते हैं बिल्कुल तो आई थिंक दैट इज वेरी नाइस यस आप क्या बेचना चाहोगी नहीं मैं बेचूंगी कुछ नहीं मैं अगर मैं अगर न्यूज एंकर ना होती तो मैं आई थिंक सो ब्यूटिशियन होती मुझे मेकअप करने का किसी को खूबसूरत दिखाने का बहुत शौक है वेरी बात है हाँ अच्छी बात है लेकिन नहीं आई थिंक अच्छी बात है तुम एंकर हो जिस तरह एक सीजन आता है ना
जैसे कोरोना के सीजन आया था इस तरह ब्यूटिशियंस के सीजन आते हैं, फिर हर बंदा शेफ बन रहा होता है, फिर हर बंदे को बुखार होता है कि मैं एक्टर बनूं, फिर सिंगर बनूं, तो इस तरह एक ट्रेंड आता है। उस ट्रेंड में ना ये ब्यूटिशियंस हर जगह चले गए। सही कह, मतलब कोई भी पत्थर उठा लो कोई ना कोई पार्लर से ब्यूटिशियन निकल आएगी, लेकिन काम आता हो ना बेड़ा गरक करेंगे लोग। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, लेकिन मैं बेड़ा गरक वाली नहीं, सर्टिफाइड। हाँ हाँ, नबीला शी इज गुड, शी इज रियली गुड, सबा अंसारी नबीला देयर रियली गुड। खैर आप बताओ, इसके अलावा अगर आप को लेट्स सपोज कोई एक शो मिलना हो जर्नलिस्ट वाला, या किसी का शो आपको टेक ओवर करना हो, वो कौन सा न्यूज बंदा होगा और कौन से चैनल में होगा, कोई भी हो सकता है। अच्छा, शाज़िद खान कामरान बंदा भी है ना? हाँ, कोई बंदा। हाँ जी, कामरान शो ले दुनिया कामरान खान के साथ। लेकिन मुझे पर्सनली बतौर अगर प्रोग्राम एंकर्स की बात की जाए, आई लव शाज़िद खान ज़्यादा, और आई विश कि मेरे पास इतना टैलेंट हो, इतना नॉलेज हो और इतना स्टेमिना हो जितना वो पढ़ता है और okay. जितनी रिसर्च वो अपने शो के लिए करता है। आई वुड लव टू बी इन हिज शूज। ओके, मैं किसके शो पर कब्जा करूंगी? ऑफ द रिकॉर्ड। ऑफ द रिकॉर्ड बताएं किसका है? किसका है? काशी वासी का। यस, यहां। ओके, अच्छा, ही इज ऑल्सो रिकॉर्ड। उसमें क्या खास बात है? मतलब वो बहुत अच्छा करते हैं, और मतलब जितनी उनकी ग्रिप है और जिस तरीके से वो कंडक्ट करते हैं अपने शो को, एक आपका फोकस रहता है, आप डाइवर्ट नहीं होते, मतलब सुनते रहते हैं उनको अच्छे से, बड़े मतलब मुझे नहीं, मुझे बहुत बुरा लगता है जो लोग स्क्रीन पे आके बन के बोलते हैं, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। वो बड़े कैजुअल वे में अपने गेस्ट से बात करते हैं, जो उनका एक मतलब टू द पॉइंट बात हो उससे पूछना या निकलवाना चाहते हैं वो सीधी बात करते हैं, घुमाते नहीं है इधर उधर। तो अच्छी बात है ना। हाँ, ये बड़े कम लोग होते हैं जो बड़ी आराम से हिप्नोटाइज कर बातें निकलवाती हैं। हाँ, और आप लोग को एक जोड़े से ब्रेक पर ले जाती हूँ। स्टे ट्यून्ड। हमारे प्यारे प्यारे एंगल्स यहाँ हैं, एंड जी अब गुफ्तगु आप लोग के बारे में ही होगी। आपने किसको पहना हुआ है? किसको पहना? हाँ, कौन से डिजाइनर है? डिजाइनर का तो ब्रांड का नाम पता है? बता दो। लाइमलाइट। ओह वाओ, और आपने? ऑक्सफोर्ड का है। ओह वेरी नाइस। ये फूलों वाली टाई, आपको फूल अच्छे लगते हैं? हाँ जी, फूल अच्छे लगते हैं। ओके नाइस। आपको नहीं अच्छे लगते? नहीं नहीं नहीं। व्हाई इज दैट? पता नहीं, मुझे फूल इतने अच्छे नहीं लगते, मर जाते हैं ना इसलिए। मुरझा जाते हैं? नहीं, लेकिन टहनियों पर लगे हुए तो अच्छे लगते हैं। या खुशबू भी देते हैं, खुशबू भी देते हैं। नहीं, पर कहीं पर भी नहीं अच्छे लगते। खैर हाँ, मतलब कहीं पर भी फूल अच्छे नहीं लगते। ओके, अच्छा, पहला बंदा मैंने भी देखा है जो मतलब बंदी। आपको लाइक जब कोई फूल देता है आपको लाइक अच्छा नहीं लगता है कि कोई आपको फूल दे रहा है? क्योंकि यूजुअली खवातीन के बारे में ये कहा जाता है, इवन माय वाइफ व्हेनेवर आई नो। नहीं नहीं, फूल फूलों की बात नहीं होती। आई थिंक अभी तक किसी ने मुझे फूल दिया नहीं। नहीं नहीं, अच्छा ओके। हाँ, वो बहुत अच्छी तरह जानते हैं जिनसे जिनको मैसेज देना चाह रही हैं आप। हाँ, क्या मिला है फिर? ज्वेलरी और ये सारी चीजें। अच्छा, उसके साथ यूजुअली हमने यही देखा है कि फूल तो साथ अटैच होता है, लाइक इफ यू टॉक अबाउट माय वाइफ इट्स लाइक यू नो क्या चल रहा है फूलों में। अच्छा, ओके, सही है। फूलों वाले एक उसमें खोलो तो आप बोलो ओह वाओ यू फूल, बिलो द फूल। खैर आप बताओ, इसके अलावा जिंदगी कैसे चल रही है? कोई एक फनी मोमेंट जो आप लोग के दोनों के करियर्स में हुआ हो, और कोई एक ऐसा मोमेंट जो आप दोनों रिग्रेट करते हैं? एक होता है ना कुछ रिग्रेटिंग वाला और एक फनी वाला, आप बताएं। सैरिश आप शुरू करें, लेट मी थिंक अबाउट इट। मुझे कभी रिग्रेट तो नहीं हुआ किसी भी, मतलब जब से मैंने अपना करियर स्टार्ट किया है कभी भी नहीं हुआ। होता है ना, बंदा बोलता है यार शायद मैं ये नहीं करती। मैं बच्ची के साथ मैंने बहुत सारे भाग्य बहुत बनाया है फूल। अच्छा नहीं, मुझे इधर बैठ के बोली मेरे पास कोई रिग्रेट नहीं है। नहीं, मैं आपको बताती हूँ, मुझे बताऊँ दुख कब होता है? मुझे ये होता है दुख तब कि जब आप, मेरी आदत है बड़ी फ्रेंडली सी ना, लेकिन हमारे प्रोफेशनलिज्म में कहते हैं कि थोड़ा सा ज़रा इंसान को रिजर्व रहना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर होता है, वरना लोग बाज़ूकात आपकी उस फ्रैंकनेस का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हुए जिस जगह पे आप बाज़ूकात आपको यूज़ भी करते हैं, बाज़ूकात आपको अपना गुस्सा आप पे बिला वजह निकाल देते हैं, उनको पता होता है ये बंदा जनाब इसने कुछ नहीं बोलना आगे से। हाँ, इस बात पे मुझे समटाइम दुख होता है कि अगर आप फैमिली समझ के कहीं पे मतलब आते, ऑब्वियसली हम ऑफिस में 8 घंटे गुजारते हैं तो बिल्कुल सब घर वालों की तरह लगते हैं,
इस सारी कहानी का मकसद यह है कि सैरिश बहुत मासूम नहीं, तब मुझे दुख होता है, तब मुझे दुख होता है। बोलो मैं मासूम हूँ, मैं मासूम हूँ। हाँ, तुम्हारा नाम है मासूमा। ओके, आपका पाकीजा, मेरा मासूमा। नहीं नहीं, सैरिश बड़ी शरीफ है। आज के शरीफों का मौसम है। हाँ। शरीफों का मौसम, हर जगह इक्तदार भी शरीफों का है। हाँ। कुर्सी शरीफों की है, चाहे पंजाब की हो चाहे वजार की। शरीफा फल भी है। अच्छा, वो कौन सा फल है? एक फल है शरीफा, उसका नाम है, वो शरीफ होता है। सुना डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए बहुत अच्छा होता है। अच्छा, क्या है? ओके, तो खैर दुख इस बात का होता है कि जब लोग नाजायज फायदा उठाते हैं आपके उस हंसने खेलने का, आपसे अच्छे से बात करने का, वो कुछ भी आपको सुना देते हैं, वो बहुत बुरा लगता है। लिहाज होना चाहिए। और फनी मोमेंट? फनी मोमेंट, अभी थोड़ी देर पहले गिर गई थी मैं स्टूडियो में खबरें पढ़ते हुए और ये हंस रहे थे। हाँ जी, वो हुआ कुछ यूँ, तुम गिरती रहती गिर गई हुआ कुछ यूँ था कि जब हम लोगों का बुलेटिन ख़त्म होने वाला होता है तो हमें कमर्शियल्स भी चलाने होते हैं, तो हमारे जो प्रोड्यूसर साहब होते हैं उनको बिल्कुल वो कमर्शियल गिराने नहीं होते, तो वो क्या करते हैं, सैरिश आप आ रही हैं क्यों? अब मैंने पीछे कदम लिया, मुझे पता नहीं चला कि पीछे एक स्टेप बना हुआ है, और मैं लड़खड़ाई और मैंने खड़े होकर खबरें पढ़ना शुरू कर दी। फिर से लगा तो नहीं आप, लेकिन बचत हो गई, लेकिन मुझे बड़ा एम्बैरेसिंग मोमेंट लगा, फनी भी लगा थोड़ा सा। इट्स ओके, गिर कर ही तो संभलते हैं आगे, क्या शहसवार ही मैदान सवार है, घोड़ सवार है बोलने वाले। अल्लाह माफ करे मैं क्या क्या बोलती हूँ। आप बताएं सबसे मोस्ट एम्बैरेसिंग मोमेंट एंड अच्छा मोमेंट। अच्छा, कोई एसेट एम्बेरेसिंग मोमेंट मेरे साथ हुआ नहीं है। आई एम अ वेरी ड्राई पर्सन इन दैट मैनर के व्हाई आर यू सो ड्राई, आई फील दैट बारिश ही हो रही है, गो गेट वेट। हाउ कैन यू बी सो ड्राई? लाइक एज इन के आई एम वन ऑफ दोस पर्सन जो कि तन्हाई पसंद है और अपने आप में खुश रहता है। जिस तरह वो बात कर रही थी, आप लोगों से शेयर करते हैं चीज़ें ना, तो आई यूजली ट्राई नॉट टू डू दैट, एंड यूजली मैं करता भी नहीं हूँ। सैरिश के साथ अभी पिछले दिन हम थोड़ी गप लगा रहे थे, इसके अलावा इट्स बीन लाइक यू नो 2 years now कि मेरी आज तक कभी किसी से बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं पहले कामरान के बारे में ये सोचती थी कि बिल्कुल रिजर्व है और ये बाकी बड़ा ड्राई है, लेकिन अभी कुछ टाइम पहले से इनकी मेरी शिफ्ट एक है। हाँ। तो जिसके बाद मुझे पता चला कि नहीं, मैं जैसे समझती थी वैसा नहीं है, ये बड़ा जॉली गुड फेलो है, ये बिला वजह बोल रहा है। मुझे लगता है कि मेरा बहुत छोटा सा जो है ना सर्कल है, और मैं यू हैव वेरी हाई बाउंड्रीज, वो एक होता है। मुझे लगता है कि आप किसी के साथ अटैच होंगे नहीं तो आप हर्ट नहीं हो सकते। आई माई ओन सर्कल, आई फील आई सी के मैं इसमें खुश रहता हूँ और कोई बाहर की टेंशन नहीं आएगी। दैट्स द बेस्ट पार्ट। मैं आगे पीछे लोगों को देखता हूँ कि वो आधे से ज़्यादा टेंशन है उनकी दोस्तों की वजह से है। दोस्त आपको कुछ कर रहा है और आप उसके लिए कुछ करना चाह रहे हैं और उसने आपको हर्ट किया, तो आई डोंट लाइक, आई ट्राई कि मैं इस चक्कर में ना पड़ूँ। और अच्छा, मैं भी इसलिए सोशलाइज कम करती हूँ, मेरा भी सर्कल छोटा, क्योंकि इंसान आप हर किसी की एक्सपेक्टेशन में पूरा नहीं उतर सकते, और अगर आप फ्रेंड्स बनाएंगे जितना सर्कल बढ़ाएंगे फिर आपको उनसे उस तरह मिलना मिलाना पड़ेगा, उनके लिए टाइम मैनेज करना पड़ेगा, और हमें घरों से टाइम नहीं मिलता। जो मुझे लगता है आई थिंक द बिगर द सर्कल द बिगर द ड्रामा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो हमेशा याद रखो जितना बड़ा आपका सर्कल है उतने ही फेक लोग आपके इर्द गिर्द हैं। अकेले होंगे वो बेहतर होगा, 100 नकली लोगों के साथ इंसान अकेले ही सही है। और सबसे बेस्ट मोमेंट बताएं। अच्छा, यादगार सबसे पहले मैंने रेडियो से शुरू किया था, सो इसको ऐसे एक्सीडेंटल था, एक दोस्त के साथ गया था वहाँ पे सीवी में। आई वॉज इन माई सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए मैं जा रहा था, एक दोस्त था उसको उसने कहा कि यहाँ पे एक नया रेडियो स्टेशन खुला है, वहाँ पे जाके मैंने अपना सीवी ड्रॉप करना है। तो वहाँ पे गए, तो वहाँ पे टाइम ख़त्म हो गया था, शाम के 4 बज रहे थे, तो गार्ड ने कहा कि 2 बजे तक होते हैं और आप यहाँ पे नया वहाँ पे FM चैनल खुला था, FM 97। तो वो गार्ड ने कहा कि आप अपना नाम और नंबर लेके जाएं, तो हम यहाँ पे सबको कॉल करके, वो नया चैनल था वहाँ पे, तो फिर आई गॉट अ कॉल एंड वो नहीं हुआ और मैं हो गया। दैट वाज द लाइक यू नो मेरे लिए करियर का सबसे बेस्ट मोमेंट था। हाँ। कि वहाँ से मेरी एक्चुअल करियर स्टार्ट हुआ, एक शुरुआत हुई। वाव, वेरी नाइस। एक केस जो बड़ा हर जगह छपता है, दिमाग की दही कर लिया उस केस में, और आई डोंट अंडरस्टैंड लोग क्यों प्रमोट करते रहते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि कौन सही कौन गलत। दुआ ज़हरा के केस के बारे में आप बताएं, बिकॉज यू गाइस आर एंकर्स और यकीनन आप लोग ने ये नाम 100 दफ़ा बोला होगा, राइट? अब चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई हैं उस केस में, और मेरी नज़र में आई थिंक सो इसके पीछे कोई रैकेट था पूरा,
और अब सुनने में भी आ रहा है कि जो लड़का है जिससे उसकी शादी करवाई गई थी वो भी भाग गया है, उसका कुछ शबीर साहब से वो भी भाग गए हैं, और उस लड़की ने अब फाइनली ये बोल दिया है कि जी मुझे इनसे थ्रेट्स मिल रही हैं, और पता नहीं क्यों वो पेरेंट्स से इतनी बदजन है, उसने बोला है कि मुझे दारुल अमान शिफ्ट कर दिया जाए। और मैंने यही इस केस के बाद यही क्रक्स निकाला है कि पेरेंट्स को अपने, क्योंकि आजकल का दौर जो है बहुत फास्ट हो गया है, बच्चों का फ्रेंडली होना चाहिए, आपको लोगों, अगर आपको घर में प्यार नहीं मिलता है तो आप बाहर प्यार ढूंढते हैं। बच्चे जैसे हम जब छोटे थे तो वी ऑलवेज फील लाइक यू नो अगर अम्मा अब्बा के पास जाएंगे उनसे शेयर करेंगे तो इट्स ओवर, बाहर के लोगों के साथ आप प्यार नहीं ढूंढते। तो जो बच्चे अब खासतौर पर इतने फास्ट दौर में, अगर आप बच्चों माँ बाप उनको एक पेज पे नहीं आते हैं और उनके साथ वो उस तरह से इंटरेक्टिव नहीं होते जिस तरह की उनको चाहिए होती है, उनकी ज़रूरत होती है, तो फिर बच्चे बाहर प्यार ढूंढते हैं। और फिर सारी बातें छोटी बच्ची है उसको जहाँ पे हर चमकती हुई चीज़ सोना ही नजर आएगी। अच्छा, यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा ऐड करूँगी कि जो पेरेंट्स आजकल बच्चों को मोबाइल फ़ोन या गैजेट्स पकड़ा देते हैं कि भाई मुझे अपना काम करने दो, कुछ देर चुप करके बैठ जाएगा, ये बहुत गलत है। आप जब तक आपका बच्चा एटलीस्ट इंटरमीडिएट तक ना चला जाए, खुदा का वास्ता मोबाइल फ़ोन ना, ये जो सारा कुछ हुआ है इस केस में भी, उस लड़की के पास मोबाइल नहीं था, टैब था जिसपे पबजी वो खेलती थी और उसी दौरान वहाँ चैट पे उसकी उससे बातचीत हुई थी, तो ये चीज़ें इन बच्चों के लिए भी नहीं है। आप क्यों उनका मतलब ब्रेन, लेकिन फोन, मैं इसको ऐसे समझता हूँ डेवलप हो रहा होता है, नहीं फोन नहीं भी होगा और घर वाले, घर का माहौल अगर ठीक नहीं है तो जहाँ पे काम कर रही होगी, जहाँ पे वो पढ़ रही होगी, जहाँ पे वो रह रही होगी, वहाँ से वो बाहर लोग मिल जाएंगे। नजर रखे ना बच्चों पे, नजर आएगा चाहे वो गलत रास्ता हो या सही रास्ता, वहाँ से निकल जाएगा। एक और बात जो मैंने बहुत दफा देखी है कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपके बच्चे आपके अपने ही है, कोई छोटू नहीं है, तो प्लीज एक होता है घर की जिम्मेदारी एक ही बच्ची पर डाल दो तो वो बच्ची फिर फरार ही ढूंढती है। एट द सेम टाइम मैं आप लोग को ये भी बता दूं कि जो जो लोग हायर करते हैं बेबी सिटिंग के लिए छोटे छोटे बच्चे और छोटे छोटे बच्चों को रखते हैं घर के काम करने के लिए, प्लीज ऐसा नहीं करें, दिस इज एक्चुअली चाइल्ड लेबर, आई एम अगेंस्ट इट। अगर आपका बच्चा है और आप किसी और बच्चे के साथ इतनी ज्यादती कैसे कर सकते हैं, उनके माँ बाप को पैसे चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन अगर हम लोग हायर करना ही बंद करेंगे तभी ये मुल्क बदलेगा, यू नो इस तरह नहीं बदलेगा। सो आई रियली होप दैट द गवर्नमेंट टेक्स अ स्टैंड, क्योंकि बड़े खौफनाक दो तीन वाकये हुए हैं एंड दैट वाज रियली सैड। सो आप बताओ, जब कोई ऐसी सैड खबर आती है या ऐसा कोई वाकया हो जाता है दैट रियली मेक्स यू सैड, तो कैसे डील करते हैं? अच्छा, हम लोग अभी पिछले दिनों वाकई जिस पे हमारी एक्चुअल में पर्सनल लाइफ के हवाले से गपशप शुरू हुई, और वो थी वो वाकया जिसमें वो खातून को उन्होंने पहले मारा उसके हस्बैंड ने, फिर उसके बाद उसको देचके में डाला और फिर सारी रात उस पे गर्म पानी फेंकता रहा। वो कहाँ का वाकया था? जी, वो गुलशन का था, कराची का ही वाकया था। और उस आदमी की बेटी ने ये सारा कुछ देखा था और उसने बाद में बोला कि जी मेरा बाप मेरे भाइयों को दो लेके फरार हो गया और दोनों बेटियों को ऐसे ही छोड़ दिया और माँ को उनकी मार दिया और मुंह पे तकिया रख के पहले मेरे अब्बू ने मेरी मम्मी को मारा, उसके बाद उनकी टांगे तोड़ी, बाजू तोड़े और उनको एक बड़ा सा देखचा था जिसमें उनको डाला और वो आदमी उनके सर पे गर्म पानी डालता रहा। और मैंने वो वीडियो देखी है, खुदा अल्लाह माफ करे कि उनकी पूरी स्किन उसके सर की बिल्कुल उतरी हुई और थी। हम माँ से यही बात कर रहे थे कि अगर कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप है तो आप छोड़ दो, आप इलहदा हो जाओ, नहीं फिक्र करो कि वो क्या बनेगा उसका, rather than that कि you are going to kill that person और उसके साथ इतनी अजीबनाक मौत देना उसको। अभी एक वाकया शिकागो में भी हुआ है, वेरी नाइस गर्ल, अ वेरी डियर पर्सन, अ स्वीट फ्रेंड, उनके एक्स हस्बैंड ने उनको गोली मार दिया और खुद को भी मार दिया। तो मैं माँ बाप को ये बोलूंगी प्लीज अपनी बेटियों को ये एक एक सहारा दो और उनके साथ एटलीस्ट रहो कि अगर कोई रिलेशनशिप टॉक्सिक है वो आपके घर पर आ सकती हैं। बेटियां बोझ नहीं है, ये वक्त आई थिंक बदलना चाहिए, लोगों की जहनीत बदलनी चाहिए कि लोग, एक होता है ना एक पुरानी सी सेइंग थी कि अब तुम शादी होकर तुम्हारी डोरी अब अर्थी ही निकलेगी, तो ये वाले वाकई ये जो बातें होती है जो बकवास होती है ये करना बंद करें। ये मूवीज में ही अच्छे लगते हैं, डायलॉग डिलीवरी तक ही अच्छे लगते हैं, रियलिटी में आप लोग की बेटियाँ मर जाती है। अभी हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, स्टे ट्यून्ड। हमारे साथ
हमारे प्यारे से मेज़बान है, हमारे प्यारे से एंकर्स है जो यहाँ बैठकर हंसेंगे, शर्माएंगे, ऑफ कोर्स मैं बैठी हुई हूँ तो शर्माएंगे भी और क्या 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 गुस्से भी होंगे, घबराएंगे भी, भागने की कोशिश भी करेंगे, लेकिन हमने जंजीर यहाँ से बांधी हुई है, मजाक करी हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हमारे प्यारे से एंकर्स है, आप बताओ पहली सैलरी जो होती है इंसान की वो बड़ी यादगार होती है, तो वो कितनी थी और क्या काम था पहला? मेरा काम तो यही था जो मैं अभी कर रही हूँ, और मैंने 2007 के एंड में स्टार्ट किया था और उस वक्त मेरी सैलरी थी 8,000 रुपीज़ और मुझे ड्यूटी करनी पड़ती थी 21 घंटे ऑलमोस्ट 21 आवर्स, क्योंकि दो चैनल्स थे, एक ही ऑनर थे और उनके दो चैनल्स थे, और मैंने पंजाबी में भी खबरें पढ़ी, उर्दू में भी पढ़ी, पहले उस चैनल का बुलेटिन रिकॉर्ड करवाती थी, फिर इस चैनल का बुलेटिन रिकॉर्ड करवाती थी। एंकर्स की शॉर्टेज थी और सुबह 4 बजे मुझे शदीद धुंध में गाड़ी पिक करने आती थी और ड्राइवर होता था और मैं होती थी, और मैं डर भी रही होती थी लेकिन मैं जाती थी अल्लाह ताला का नाम लेके, और अल्हम्दुलिल्लाह आज यही वजह है कि वो वक्त गुजरा, मेहनत की और आज मैं आप लोगों के सामने हूँ। यस एब्सोल्युटली राइट, मेहनत बहुत ज़रूरी होती है। लोग बोलते हैं ना कि हम देखते हैं किसी को, जिस तरह बहुत सारे लोग देखते हैं, महवेश, मायरा, बहुत सारी प्यारी प्यारी हमारी एक्ट्रेसेस हैं, उनको देखकर हम बोलते हैं यार ये तो अभी अभी मशहूर हो गई। नहीं भाई, एक प्रॉपर सालों की मेहनत होती है। तो आप बताएं आपका कौन सा सैलरी थी, क्या था? अच्छा मैं रेडियो से शुरू किया था तो इट वॉज लाइक 2850 रुपए मुझे, आई वॉज स्टडिंग और मेरे लिए बहुत भी रकम थी। oh, wow. और मैंने उससे 4-5 शर्ट्स, आई स्टिल रिमेंबर दैट, कि मैंने अपनी माँ को दिए, अम्मा ने डबल किए एंड अम्मा ने मुझे वापस किए। अम्मा खैर मैं जॉब तो नहीं ऐसे कर रहा था, रेडियो कर रहा था और सुबह का शो था 8 से 10 का, कॉलेज जाता था मैं और वहीं से ही डायरेक्ट 10 बजे कॉलेज जाता था, 10:30 बजे कॉलेज पहुँचता था एंड देन दैट वॉज इट। या सो गूज़बम्प्स आते होंगे ना, पहली सैलरी बहुत ही एक यादगार होती है, मतलब इट हैज़ दैट, आपको एहसास होता है कि यू नो पैसे कितने कीमती होते हैं और कितनी मेहनत से बनते हैं। मेरी जो पहली थी, आई यूज़ टू टेक कुत्तों को वॉक पर चला। अच्छा हाँ, वो बड़ा अजाब हो जाता था। कहाँ पे? जिम्बाब्वे। ओके। तो बहुत दफ़ा ये होता था, चंद कुत्ते जो आते थे वो मतलब मुझे भी डरा देते थे, इतने बड़े बड़े मुझे चला रहा है, वो वाली चीज़ होती थी। लेकिन इट इज़ वेरी नाइस। हाउ मच वाज दैट, कितने थे वैसे? आई थिंक वहाँ तो डॉलर्स होते थे 500। अच्छा फिर भी तो बहुत अच्छे थे ना फिर तो। नहीं पर वो $52 अलग। अच्छा, हर बंदा बोलता है यार तुम तो अमीर थी। $500 वो बड़ा चिल्लर वाला वक्त था एंड आई वाज एटलीस्ट 9 years old। ओके हाँ, तो आप उस वक्त सोचती क्या थी कि आपने आगे बढ़ के हमारा इंटरव्यू करना है? नहीं, मुझे तो आगे बढ़कर जहाज उड़ाना था। सच में आई वॉच्ड पर्ल हार्बर एंड आई रियली रियली वांटेड टू बिकम अ पायलट। अगर कोई एंकर बनना चाहता है, आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे बच्चे मैंने खुद देखा है, लोग न्यूज़ एंकर बनना चाहते हैं, छोटे छोटे दुपट्टे लगाकर यू नो नकल उतार रहे होते हैं, तो आप बताओ कोई एक टिप बता दो। अच्छा, मैं ये टिप दूंगी जो न्यूज़ एंकर्स बनना चाहते हैं, एक तो इनके सबके दिमाग में ये है कि हम क्वालिफिकेशन तो चल ही रही होती है स्टडीज़, तो जो आपको इस वक्त मेन स्ट्रीम चैनल्स पर बैठे लोग नज़र आ रहे हैं, दे ऑल आर एक्सपीरियंस्ड, इन्होंने छोटे इदारों में पहले काम किया और बड़ी छोटी छोटी जॉब्स की हैं, आहिस्ता आहिस्ता सीख सीख के ऊपर आए हैं। ऐसे नहीं हो सकता कि आपको फौरी से एक मेन स्ट्रीम चैनल बिठा देगा जो जनाब आप काम करो। तो आप जनाब मेहनत करें, पढ़ाई ना छोड़ें और किसी छोटे इदारे में इंटर्नशिप स्टार्ट करें, वहाँ पर उर्दू को सीखें, पढ़ें। उर्दू इतनी आसान नहीं है, बज़ाहिर लगता है, लेकिन जब आप रवानी से पढ़ने लगो तो बहुत मुश्किल है। तो मेहनत करें और छोटे इदारों से शुरू करना पड़ता है, ऐसे नहीं होता। मुझे अक्सर लोग मैसेज करते हैं आई नीड जॉब, आप बात करें और पहले कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। हाँ, तो हम तो ये समझते भी हैं कि प्रॉम्प्टर पे लिख के सामने होता है और सब आपने से पढ़ना होता है। इट्स नॉट लाइक दैट, इट्स नॉट दैट। एक लाइन आपको देते हैं एट टाइम्स, वैसे तो यूजुअली जब एक पूरे दिन की हैपनिंग सो चुकी होती है मोस्टली आपको चीजें सामने लिखी मिल रही होती है, लेकिन इट्स नॉट लाइक दैट कि अगर कोई चीज हैपनिंग होती है तो वो एक लाइन में आपको मिलती है, उस पर आपने 3-3 घंटे खेलना होता है और एट टाइम्स आपको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए। फॉर इंस्टेंस एक प्रोग्राम एंकर होता है, वो एक प्रोग्राम में एक टॉपिक पे सारा दिन तैयारी करता है। एक न्यूज एंकर है, उसको खेलों का पता होना चाहिए, उसको पॉलिटिक्स का पता होना चाहिए, उसको शोबिज़ का पता होना चाहिए, उसको मौसम का पता होना चाहिए, उसको एंटरटेनमेंट का पता होना चाहिए, उसको हर चीज का पता होना चाहिए। कि इंसल्टिंग मोमेंट होता है कि जब आपको किसी हॉलीवुड के स्टार का नाम इंग्लिश में पढ़ना नहीं आता और खबरों में आ जाता है और पता पीछे से पीछे में क्या बोलते हैं,
नहीं नहीं उसने बुरा नहीं बनाया, नहीं आएगा पाकिस्तान आगे बढ़ो। वाओ दैट्स वेरी नाइस। खैर ये बड़ा एक अच्छा होता है। मुझे याद है जब मैं नई नई आई थी ना एक चैनल पर, जब मेरी शुरुआत हुई थी तो वो हमारे बॉस थे, तो वो बेचारे है ना वो बोले थे इस बच्ची को हम कहाँ फिट करें। मेरी सिर्फ इंग्लिश ही अच्छी थी और कुछ अच्छा नहीं था। एंड आई वाज आल्सो लाइक 15 इयर्स ओल्ड। तो मेरे बॉस ने बोला था न्यूज़ पढ़ सकती हो। तो उधर एक हल्का से एक लाइन बोलनी थी कि धमाके हो रहे। मैंने इतनी बड़ी भतीजी दिखा कर बोला धमाके हो रहे। इन्होंने बोला नहीं भाई, ये जो तुम धमाके कर रहे हो ना वो वाले धमाके नहीं हो रहे। सो इट्स रियली टफ यू गाइस, दिस वर्क इज़ रियली रियली टफ। अभी हम आपके यूट्यूब चैनल की तरफ आएंगे लेकिन लेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे ट्यून्ड। शो जी हाँ संडे हमारे लोग के साथ एक्चुअल में हो गया है फंडे। सो यस सर, आप बताए ब्यूटी टिप्स फॉर अ मैन, हसीन कैसे रहते हो? हम लोग मुंह धो लेते हैं और हमारे लिए यही हसीन होना है। वो भी जोक पढ़ा था कि जब एक मर्द जो होता है ना मुंह धो लेता है ना तो इसका मतलब कहीं जा रहा है, और जब मुंह धो ले तो इसका मतलब भी आप कहीं नहीं जा रही है, वापस तो आ गई है। वैसे आप उसकी बात है, ये बड़ी सही बात है। बैठ कर मेकअप निकाल लेता है हर बंदा बोलता है घर में ही होगी। पर आप बताओ कुछ तो होगी, कोई टिप्स, फेशियल्स करते हो चमकने के लिए, क्या करते हो? आई डोंट डू दैट। मुंह को घिसते हो मंजिल की तरह? मर्दों को जरूरत नहीं होती है। वैसे मर्दों को आई थिंक तो करनी चाहिए, स्पेशली क्लींजिंग होती है। क्लींजिंग लाइक एज इन कि वो खुद ही हम जब मेकअप उतार रहे होते हैं इन टर्म्स के आप रात जब शिफ्ट खत्म करते हैं तो वही क्लींजिंग होती है। कभी यहाँ पे पॉलर से मैंने इधर अपना जो ऑफिस का है वहाँ से क्लींजिंग करवा लेता हूँ। बहुत कम ही होता है क्योंकि टाइम चाहिए होता है आपको अलग से। हाँ ये भी है, या बहुत दफा ये भी होता है ना दैट जब आपको कहीं जाना होता है तो आप 600 दफा अपने बालों को ब्लो ड्राई करो, वो वेव नहीं आई। कभी कभी आप बिस्तर से उठते हो संडे को, कुछ नहीं करना होता, आपके बाल इतने अच्छे लग रहे होते हैं। हाँ। ये मैं हूँ। तो वो वाली चीज भी एक होती है। हाँ तो फिर उसमें मैं तो फौरन ये करती हूँ कि इंस्टाग्राम पे एक पिक्चर ली और बस पोस्ट कर दी कि अच्छी लग रही थी सुबह उठते ही। वाह वेरी नाइस। जब इंस्टाग्राम की बात आती है तो यूट्यूब किसने शुरू किया है? हाँ तो मैंने शुरू किया है लेकिन मैं उस पर ऐसे जिस तरह काम कर नहीं पाती जैसे करना चाहिए। मैं बस एक महीने बाद याद आता एक वीडियो बना के डाल दी, लेकिन ये है कि कुछ लोग मुझे अक्सर बल्कि लोग मुझे कहते हैं कि यार काम करो बहुत पोटेंशियल है इसमें, पैसा बहुत है, डॉलर आते हैं भाई। लेकिन डूलर होंगे, घर में डूलर ही डूलर होंगे। तो मैं लेकिन कितने डॉलर कमा लिया? नहीं कमाए ना, मोनेटाइज ही नहीं हुआ, मैंने उतना काम ही नहीं किया। लेकिन हमारे बहुत सारे कोलीग्स ऐसे हैं जो माशाल्लाह हैंडसम अमाउंट उससे कमा रहे हैं और पार्ट टाइम पूरा उसको काम कर रहे हैं। तो कितना? मतलब मैंने जो नॉर्मली देखा 70,000, 1,00,000 तो नॉर्मली मतलब उनको पर मंथ। डॉलर्स नहीं मतलब। अच्छा मदीरा के लिए ना। खैर अभी हम आप लोग के साथ एक गेम खेले, आपके साथ खेल सकते हैं गेम? जी जरूर। भाभी ने इजाजत दी? नहीं वो इतना तो नहीं है। चले हम आपके साथ खेलना चाह रहे हैं। चले जी हेडफोन्स लगाए। चले जी आपके कान बंद कर हम खेलेंगे, आंखें नहीं। बहुत घबराए हुए। चले जी लगाएं, कान बंद करें, म्यूजिक ऑन ऑन। ओके जी अब पता चला। हाय हेलो, ये क्या है? ऐसा नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा। दोनों हाथों से यू करो जरा, कानों को दबाओ भाई, दोनों हाथों से दबाओ। I swear मैं नहीं सुनूंगा। I swear I want to see you do this. Hands on my heart. मैं सिर्फ लिस्ट पढ़ा हूँ। चले जी ऑन लाइट कैमरा एक्शन। लाइट कैमरा एक्शन। ये नहीं समझ आ रही है। लाइट कैमरा एक्शन। कोशिश फिर दुनिया का है। लाइट दोबारा से। लाइट बस कैमरा बस सही है। लाइट कैमरा एक्शन दोबारा से। मैंने इशारा कर दिया। नहीं, इशारे हाथ बांधो। लाइट कैमरा Lights, camera, action. Wow, very nice. Okay, जी, एक और आखिरी म्यूजिक ऑन।
पेंट कोट, पेंट कोट, पेंट पेंट पेट्स, पेंट बस, पेंट अरे ये बस में उठ के हुए, पेंट इनको बस से उतारो, पेंट कोट, पेंट कोट, बाय गॉड, पेंट कोट, पेंट कोट, पेंट, 5, 4, 3, 2, 1 आपने पहना क्या है? पेंट कोट. अच्छा ओके. Now it's your turn. No. Sarish, are you ready? Yes, I am ready. Mary. उसको इतना समझ आ गया कि म्यूजिक कौन? अरे समझ में आ गया. चलो. Mary Jung. अरे इशारे नहीं. वॉल्यूम भी बढ़ा दो. मेरी जंग. मेरी जंग. मेरी जंग. जंग जंग. मेरी चाय. जंग. मेरी जंग. मेरी चाल. जंग. चाय. अबे यार अभी हम सारे प्रोग्राम्स के नाम ले रहे थे. जंग. मेरी शादी. नहीं. जंग जंग जंग. मेरी शॉल. जंग जंग. मेरी शान. 5, 4, 3 मेरी चाल. जंग. 1 जंग. मेरी जंग. इसके बाद फिर आपने बोला हाँ क्या हो गया चारिश? मेरी जंग यार प्रोग्राम का नाम अभी ओके 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 चलो जी दोबारा एक और गाना लगा दिया. लाहौर लाहौर है. लाहौर 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 है. लाहौर लाहौर है. वाह 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 वाह. कराची इसका शहर है. शहर शहर कराची उसका शहर है. कराची कराची उसका शहर है. कौन किसका शहर है? कराची. कराची उसका शहर है. वाह शहजादी. ओह माय गॉड. हम लोग भाई अकलमंद लोग हैं. हमने पहले बोला था और वो वाला जरा एक करके बताए कैसे होता है. लाहौर लाहौर है कराची इसका शहर है. हां लाहौर लाहौर है कराची इसका शहर. अक्सर कराची वाले सुनाते हैं बातें. हैं हां हम जब लाहौर की तारीफ कर दो ना बस फौरन ही हां हां तो कराची उसका शहर है. थैंक यू सो मच आप लोग यहां आए. कोई पैगाम बोलना चाहोगे तो प्लीज पैगाम बोल दो. जितने भी लोग जो कि इस वक्त जॉबलेस हैं या फिर किसी भी वजह से फाइनेंशियली क्राइसिस का शिकार है परेशान हैं मायूस ना हो. अल्लाह पे भरोसा रखें. मेहनत करते रहें कोशिश करते रहें. अल्लाह ताला कहते हैं ना कि आपकी शहरक से भी करीब है और 70 माओं से ज़्यादा प्यार करने वाला है. तो वो एक ना एक दिन ज़रूर मतलब आपकी सुनेगा और हर शाम के बाद रात के बाद सुबह होती है. तो लगे रहें इंशाल्लाह अल्लाह ताला कामयाब करने वाला है. तो पॉजिटिव रहें अपने इर्द गिर्द वालों से प्यार करें हमेशा पॉजिटिव सोचें सब पॉजिटिव होगा. Absolutely. कोरोना पॉजिटिव नहीं है लेकिन वहाँ नेगेटिव होना है. बाकी सब पॉजिटिव आप बताएं. अच्छा आई फील दैट कि कुछ लोग होते हैं जो कि अपनी लाइफ के से ज़्यादा दूसरों की लाइफ में इंटरेस्ट लेते हैं और उनकी लाइफ के अंदर क्या चल रहा है उसको डिस्कशन का हिस्सा भी बनाते हैं और फिर उनके बारे में बात करते हैं. आई फील दैट कि आपको सोचना चाहिए कि आपकी कोई कही हुई बात किसी को हर्ट कर सकती है एंड उनको किसी फेज में जो कि नेगेटिव हो सकता है डिप्रेशन में जा सकता है बंदा. तो यू शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ एवरीथिंग जो कि आप अपने मुंह से निकाल रहे हैं. यू शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट. यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो कि बिना सोचे समझे किसी और के बारे में बात करते हैं और जब उसको वो बात पता चलती है तो दैट एक्चुअली हर्ट्स. सो या आपको अपनी यस वर्ड्स आर वेरी वेरी डेंजरस. या दे कैन गिव लाइफ एंड टेक इट आल्सो. एब्सोल्युटली. तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. गाइस इट्स टाइम फॉर मी टू गो. मुस्कुराते रहो पाकिस्तान. कोविड फैल रहा है प्लीज SOPs को फॉलो करो मास्क को लगाओ और प्लीज़ जिस तरह हमारे हुकूमत के लोग हैं जो कोविड पॉजिटिव होकर भी निकल कर बाहर घूम रहे सिर्फ व्हाट यू कॉल वोट्स के खातिर से प्लीज़ ऐसा कुछ नहीं करें. Stay home if you're sick and look after yourself. Allah Hafiz. बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें.